वेलकम टू चार्ट ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में सिंबल टोकन मैपिंग के बारे में बात करेंगे और मल्टीपल स्क्रिप्ट के हिस्टोरिकल डेटा डाउनलोड करेंगे यूजिंग अ स्मार्ट एपीआई ऑफ एंजल ब्रोकिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने लास्ट वीडियो में स्टेटिकली, आपको पता है कि लास्ट वीडियो में जब हमने हिस्टोरिकल डेटा डाउनलोड किया था एसबीआई का या फिर किसी भी स्टॉक का, तो आपको ये सिंबल और ये टोकन और सिंबल हम डैश इक्यू करके इंसर्ट कर रहे थे, जो भी आपका नेम हो, और आपको टोकन यहाँ पे मैन्युअली फाइंड कर रहे थे। तो वो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि हिस्टोरिकल डेटा ऑफ वन स्टॉक। अब हम क्या करेंगे, ये जो टोकन है ना वो डायनेमिक फाइंड करेंगे, मतलब कि हम स्टेटिक ऐड नहीं करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। तो उसके लिए मैंने ये फंक्शन बनाया है, दैट इज इनिशियलाइज सिंबल टोकन मैप। ऑलरेडी अवेलेबल है, इसमें मैंने ये URL दिया है और जो JSON रिक्वेस्ट किया वो JSON को मैंने कन्वर्ट किया है। अब आपको क्या करना है, अब जब भी आपको ये डेटा फ्रेम जो मिली, वो डेटा फ्रेम हमने डिक्शनरी को कन्वर्ट किया डेटा फ्रेम में। तो यहाँ पे टोकन DF आ गया जिसमें से हमने एक्सपायरी टोकन फाइंड किया। और स्ट्राइक को हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। और वो हमने जो हमारा जो हमने आपको पता है कि यहाँ पे एक वेरिएबल था लॉगिन में, टोकन मैप, तो वहाँ पे वो टोकन मैप ने हमने स्टोर करके उसको डिस्प्ले किया है। सो व्हाट इज आउटपुट, जस्ट सी व्हाट इज द आउटपुट, जस्ट सी। लेट्स रन इट। सो आपको पता चलेगा कि आउटपुट क्या आ रहा है टोकन DF में। Let's just run. तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये हर एक स्टॉक के, लेकिन देखो ये हमारा डेटा टोटल ही आ गया। देखो 0 इंडेक्स 13287 MNM फाइनेंस टीक साइज, मतलब कि कितनी पॉइंट वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, सब डेटा हमारे यहाँ पे आ गया ये टोकन DF में। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे जाके कहीं पे भी। MNM फीन है, यहाँ पे देखो 13287 110232। तो आपको ये पूरा हमने जो रीड करके JSON से कन्वर्ट करके हमने किस में डेटा फ्रेम में ऐड करके यहाँ पे हमने वो डिस्प्ले किया है। सो ऑलवेज अगर आप एंजल ब्रोकिंग के स्मार्ट API यूज़ करें तो आप डायनेमिक, अभी तक हमने सिर्फ JSON में कन्वर्ट करके डेटा फ्रेम में स्टोर किया है, लेकिन आपको सिर्फ नेम लेके हम वो फाइंड करेंगे डायनेमिक। ये फंक्शन आपको पता है, ओपन हाई लो क्लोज, वो सिंपली हिस्टोरिकल डेटा डाउनलोड करेगा बेस्ड ऑन ये आर्ग्यूमेंट। तो सिंबल और टोकन रिक्वायर इंटरवल स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट। अब ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज अ गेट टोकन इन्फो। सो गेट टोकन इन्फो क्या करेगा, आपका जो टोकन मैप है जिसमें हमने स्टोर किया है ये डेटा, जो डाउनलोड किया टोकन मैप DF, वो हमने यहाँ पे देखो टोकन मैप में भी स्टोर किया है। ये एल डॉट टोकन मैप में, तो वो उसको हम वापस रीड कर रहे हैं यहाँ पे। और हमें अभी सिर्फ इक्विटी के डेटा फिल्टर कर रहे हैं, तो NSE चेक किया कि NSE है, NSE एक्सचेंज, और वो NSE सेगमेंट में हमारे सिंबल में इक्यू है, तो वो हम रिटर्न कर रहे हैं कि इसमें इक्यू अंडरस्कोर DF में। तो आप यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रिंट किया, अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो। अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, अगर आपको देखना तो लेट्स डू इट। और वो पूरा रिटर्न करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो टोकन इन्फो में सिर्फ इक्विटी इक्यू वाले ही रहेंगे। आप देखो इन टोकन इन्फो और ये पूरा इक्यू वाला ही है, तो सिर्फ MF लाइक यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखा BL है, BEA, MF है, NF है, वो सब निकल जाएगा, क्या रहेगा सिर्फ इक्विटी वाले डेटा। अब उसमें से हमको स्पेसिफिक चाहिए जो हमने पास किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे SBIN, तो उसके लिए हमने क्या है, देखो कि नेम इक्वल इक्वल टू SBIN, वो रिटर्न ट्रू करेगा वही रो रिटर्न करेगा। तो वो आपको ये, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने KT की बैंक है, तो आपको वो क्या रिटर्न करेगा, ये पूरी रो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने वही किया है, क्या किया है, सिंपली वो रिटर्न किया है और वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो मैं हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अभी। ये फंक्शन सिंपल क्या करेगा, इंडिविजुअल मैचिंग स्टॉक का
डेटा रिटर्न करेगा, ओके, इंक्लूडिंग टोकन, सिंबल, सब कुछ। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमने ये स्टॉक का लिस्ट बना दिया है, तो आपको कितने स्टॉक चाहिए वो यहाँ पे कॉमा करके इन बिटवीन लिख सकते हो, ओके। और ये आपको पता ही है एंजल ब्रोकिंग में सेशन क्रिएट और टोकन जनरेट करने के लिए है, तो वो तो हर एक प्रोग्राम में आता ही है। ये हमने ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया पहले, तो ये एग्जीक्यूट हुआ और टोकन मैप को वेरिएबल में स्टोर करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वन बाय वन ये टिकर फैच करेगा, पहले SBI के लिए फैच करेगा, फिर SRF के लिए करेगा और फिर कोटक बैंक KTK कर्नाटका बैंक के लिए करेगा, ओके। तो हमने यहाँ पे देखो क्या पास किया है, गैट टोकन इन्फो में टिकर कॉमा NSC, ओके, हमने पास वही किया है और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम फर्स्ट रो ही कंसिडर करेंगे टोकन डिटेल्स में, और वो टोकन डिटेल्स का हमने सिंबल और टोकन लिया है जो आपका रो का नाम है, आपकी रो का नाम है, यहाँ पे देख सकते हो, ओके, सिंबल और टोकन। तो हमने दो वेरिएबल ही लिए है, सिंबल और टोकन, तो आपको अगर मिल गए सिंबल और टोकन, अब उसी की वजह से उस वो यूज करके सिंबल और टोकन यहाँ पे हमने पास किया स्ट्रिंग फॉर्मेट में और उसके डेटा हम डाउनलोड कर रहे हैं। सो पहले ये SBI के लिए कैलकुलेट करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम टिकर में क्या आएगा SRF, वो SRF के लिए कैलकुलेट करेगा, नेक्स्ट टाइम KTK बैंक के लिए आएगा और सबके डेटा वन बाय वन वो डाउनलोड करके डेली डेटा में ऑफ टिकर में स्टोर कराए, ओके। ये इंडेक्स है, मतलब कि यूनिक आइडेंटिफाई करेगा आपको, यहाँ पे टिकर की वैल्यू SBI है तो SBI इनका डेटा रिटर्न करेगा, अगर SRF है तो वो SRF का डेटा रिटर्न करेगा। अभी हमने स्टोर नहीं किया, लेकिन अगर आपको देखना हो अगर वेरिएबल में, आप प्रिंट भी कर सकते हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे देखो डेली डेटा में KTK बैंक, ओके, यहाँ पे आ गया, देखो ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम, अगर आपको SBIN चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, ओके, या फिर SRF चाहिए तो SRF पे क्लिक करो, ओके। सो ये सिंपल थिंग्स है, आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सेव करना तो आपको पता ही ये डेटा फ्रेम, ये डेली डेटा टिकर को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके आप सेव कर सकते हो, ओके। सो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, नहीं है तो फिर आगे हम डिस्कस कर लेंगे, एक बार कहीं पे भी सेव करेंगे ही डेटा, तो वही लॉजिक आप यहाँ पे फोर लूप में लिख सकते हो, ये लूप बोलते हैं इसको, हर बार घूमेगा, एवरी टाइम वो रिपीटेड, ओके। तो एवरी टाइम ये पहले SBI का डेटा डाउनलोड करेगा, फिर SRF का और फिर KTK बैंक का, ओके। सो जस्ट सी, अगर आपको नहीं पता यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वेरिएबल है, वेरिएबल में वन बाय वन वो डेटा स्टोर कर रहा है, ओके। सो आपको सिर्फ ये दो फंक्शन यूज करना है, अगर आपको एंजल ब्रोकिंग आप यूज कर रहे हो स्मार्ट API, और आपको अगर किसी भी टोकन का, आपको अगर किसी भी सिंबल का आपको टोकन चाहिए, तो आप पहले इनिशियलाइज सिंबल टोकन मैप को कॉल करो, फिर आप ये फंक्शन को कॉल करो गेट टोकन इन्फो, तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा, एक पूरी रो जो स्टॉक मैप हो रहा है यहाँ पे बेस्ड ऑन ये कंडीशन जो हमने रिटर्न की है, ओके। सिर्फ NSE के डेटा, NSE के स्टॉक और उसमें भी जो EQ है वो, और उसमें भी अब जब उसके बाद मैचिंग, ओके। तो यहाँ पे हमने सब स्टॉक डिस्प्ले किया है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, ओनली मैचिंग टोकन डिटेल्स में, क्योंकि हम ये रिटर्न कर रहे हैं EQ_DF जिसमें आपका मैचिंग हो, ठीक है। आपको सिर्फ वन बाय वन वही स्टॉक का डेटा मिलेगा, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे जब हमने कंसोल पे प्रिंट किया है, ओके, तो पहले यहाँ पे देखो सभी के डेटा आ गए, हमने डेटा नहीं प्रिंट किया, ठीक है। अगर आपको डेटा प्रिंट करना तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, प्रिंट डेली डेटा इन ब्रैकेट टिकर और प्रिंट रन इट, ओके। आप वन बाय वन भी एग्जीक्यूट कर सकते हो लाइन बाय लाइन, लेकिन मैं पूरा कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे KTK बैंक का डेटा आ गया ये, ओके। उसके उससे पहले आपको मिला क्या SRF का, और उससे पहले आपको मिला SBIN का, ओके। सो सिंपल दिस कोड से, ओके, आप मल्टीपल स्टॉक का डेटा डाउनलोड कर सकते हो और स्टॉक का आपको टोकन भी डायनेमिक जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक जनरेट भी फैच कर सकते हो, आपको स्टेटिक लिखना नहीं पड़ेगा, ये वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आपको हर बार मैन्युअली लिखना था वो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये फंक्शन इनिशियलाइज सिंबल टोकन और गेट टोकन इन्फो से आपको वो रिटर्न हो जाएगा, ओके। सो ये सब कोड मैं आपको टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो
इन फ्यूचर हम क्रिएट करेंगे, लाइक डिफरेंट इंडिकेटर, डिफरेंट अल्गो, वो सब कोड वहाँ पे मैं टेलीग्राम पे डाउन इंसर्ट कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद अदर्स. थैंक यू.